हो या नगर पालिका हो, इन्हें बरसात का मौसम जैसे लगता है कि अचानक से आ गया। ये साल भर करते क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को बारिश ने थोड़ी राहत तो दे दी, लेकिन एक बार फिर नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है, जहां सड़कों से लेकर लोगों के घर तालाब बन चुके हैं। आलम यह है कि लोग अब जलभराव में रहने को मजबूर हैं। कहीं नालियां तो कहीं गड्ढे जाम पड़े हैं, जिससे अब सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और हर बार की तरह इस बार भी हर जगह जलभराव रहा है। फिर बारिश ने खोली पोल, सड़कों से लेकर घरों तक जलभराव, सड़कें तालाब में हुई तब्दील, नालियां और गड्ढे पड़े जाम। भारी बारिश ने राजधानी लखनऊ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गलियों से लेकर प्रमुख मार्गों तक भारी जलभराव दिखा। वहीं विधानसभा गेट नंबर 7 पर भी पानी भर गया, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। बारिश से तालाब में तब्दील हुआ शहर। एटा में देर रात से हो रही झमाझम बारिश से शहर तालाब में तब्दील हो गया है। नगर पालिका, कोतवाली नगर, SSP ऑफिस में बारिश का पानी घुस चुका है। कई सरकारी कॉलोनियों में भी पानी भरा है। कॉलोनियों में नीचे रह रहे लोग घर खाली कर होस्टलों में रुकने को मजबूर हैं। वहीं बारिश से जिले के लोगों का जीवन बेहाल हुआ है। समय रहते नगर पालिका ने नालों की सफाई नहीं की, जिससे अब ये हाल है। सड़कों से लेकर घरों तक जलभराव। बिजनौर में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और सड़कों से लेकर घरों में पानी भर रहा है। काशीराम कॉलोनी में लोगों का रहना बेहाल हो गया। बारिश ने सड़कों को तो तालाब में तब्दील ही किया, लेकिन अब लोगों के घरों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों का अब घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार है। बारिश ने स्मार्ट सिटी की खोली पोल। बरेली में बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है। अब इसके चलते शहर में हुई मूसलाधार बारिश से कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर SSP ऑफिस तक जलमग्न है। जलभराव की समस्या से बरेली को निजात नहीं मिल पाई और मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जहां एक तरफ सुरक्षा